ओके, तो चैप्टर हमारा चालू है इनसाइड दैट। ओके, अभी इस चैप्टर में ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स वी हैव कवर। ओके, ओनली द लास्ट टॉपिक इज रिमेनिंग, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। एक लास्ट वाला टॉपिक बाकी है, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? कुछ नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एटॉमिक एनर्जी। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसे डिवाइस है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसे एक डिवाइस है जिसमें हम लोग एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले। सिंपल। ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसे एक डिवाइस है जिसमें हम लोग एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करके या एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का करने वाले हैं, जनरेट करने वाले। तो कैसे सर? मतलब अभी तक तो हम लोग ने देखा था कि वाटर से भी, वाटर का जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बराबर, विंड एनर्जी भी यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, विंड एनर्जी तो मालूम है ना, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही कुछ एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर इज मशीन दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल बाय यूजिंग द एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक तो समझा सर हम लोगों को कि एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले। लेकिन कैसे कैसे एटॉमिक एनर्जी का यूज़ कैसे करेंगे हम लोग? तो सिंपल है, पहले हम लोग काम करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा कि एटॉमिक एनर्जी से हम लोग एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग लेंगे यूरेनियम एलिमेंट। यूरेनियम क्या है? एक एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जिसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यूरेनियम जो है, ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे क्या लिखा है, ये 235 और नीचे लिखा है 92। तो 235 क्या होता है? मास नंबर, और 92 क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये कवर किया था, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है सब। ओके, तो यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 92 होता है, और मास नंबर कितना होता है? 235। ये ऊपर वाला है ना, वो मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है, ठीक है, या ये एटम जो है, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट करेंगे। ठीक है, बम्बारमेंट मतलब क्या? कोलाइड करेंगे। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का एक एटम, देखो यहाँ पे मैंने लिया, सॉरी, न्यूट्रॉन पार्टिकल लिया, एक पार्टिकल, न्यूट्रॉन का एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे लिया है। उस पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे, मतलब इन दोनों का कोलिजन होने वाला है। यहाँ पे ये पार्टिकल इसके न्यूक्लियस पे जाके कोलाइड होने वाला है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये जो पार्टिकल है न्यूट्रॉन, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड होता है, तो उसके बाद में क्या होता है? तो ये जो यूरेनियम है, वो छोटे छोटे दो न्यूक्लिया में कन्वर्ट होता है। यही यूरेनियम तो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और वो न्यूक्लियस कौन सा है? तो एक एक है क्रिप्टॉन और दूसरा वाला है बेरियम। क्रिप्टॉन और बेरियम, क्लियर, समझा जाता? तो क्या हुआ, पहले पहले से देखो जरा रिएक्शन में क्या होने वाला है। पहले तो हम लोग ने क्या लिया? यूरेनियम लिया। इसके ऊपर किसका बम्बारमेंट किया? न्यूट्रॉन पार्टिकल का। न्यूट्रॉन पार्टिकल के बम्बारमेंट के कारण ये जो यूरेनियम था, वो किस में स्प्लिट हो गया? दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ। दो छोटा न्यूक्लियस कौन सा? तो यहाँ पे क्रिप्टॉन दिया है और दूसरा वाला दिया है बेरियम। क्रिप्टॉन में उसका एटॉमिक नंबर कितना है? सॉरी, एटॉमिक नंबर इज 36, मास नंबर इज 92, और बेरियम का मास नंबर इज 144 और एटॉमिक नंबर इज 56। ओके, तो क्या बोला मैंने? यहाँ पे यूरेनियम का दो छोटा न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे क्रिप्टॉन है, यहाँ पे बेरियम है। ठीक है, तो क्रिप्टॉन और बेरियम जो है वही दो न्यूक्लियस नहीं, तो उसके साथ थ्री न्यूट्रॉन्स भी बाहर पड़ते हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस, ये बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है, ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है, ये छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, मतलब स्प्लिट हो जाता है। तो दो छोटा छोटा न्यूक्लियस वो बनाता है, पहला है क्रिप्टॉन, यहाँ पे है बेरियम, लेकिन उसी के साथ वो थ्री न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस करता है। देखो, ये थ्री न्यूट्रॉन्स है, इस टोटल तीनों न्यूट्रॉन को मिला के मैंने यहाँ पे लिखा है थ्री न्यूट्रॉन्स। समझा, यहाँ तक क्लियर है? तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन मतलब क्या? एक बड़ा वाला न्यूक्लियस अगर दो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है या स्प्लिट होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। तो पहले क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन को हम लोग ने बम्बार्ड किया। बराबर, बम्बार्ड करने के बाद क्या हुआ, ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस था, मतलब बड़ा वाला जो एलिमेंट था, वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। छोटा न्यूक्लियस मतलब कौन सा? तो ये क्रिप्टॉन और बेरियम, लेकिन उसी के साथ कुछ न्यूट्रॉन भी बाहर पड़ गया, थ्री न्यूट्रॉन्स बाहर पड़ गया। देखो, पहले एक ही था, अभी थ्री न्यूट्रॉन्स आ गए,
क्लियर। तो इसी प्रोसेस को, इस स्प्लिटिंग वाले प्रोसेस को, मतलब बड़ा वाला न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, यहाँ पे दिया देखो न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इधर तक तो समझा सर। इसके बाद में क्या होता है, देखो यहाँ पे इसके बाद में क्या होता है, अभी ये जो 3 न्यूट्रॉन जो है वो थोड़े ना चुप बैठने वाले। जैसे ये वाला जो न्यूट्रॉन है इसके ऊपर बम्बार्ड हुआ था एक यूरेनियम के ऊपर, तो वैसे ही ये जो 3 न्यूट्रॉन है ये नेक्स्ट 3 यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड होने वाले। ये वाला न्यूट्रॉन क्या करेगा, दूसरे एक यूरेनियम को पकड़ेगा, उसके ऊपर बम्बार्ड हो जाएगा। ये वाला जो न्यूट्रॉन है अलग यूरेनियम को पकड़ेगा, सेकंड वाले यूरेनियम को पकड़ेगा, उसके ऊपर बम्बार्ड हो जाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस था यहाँ पे, जो था प्रोसेस, वही प्रोसेस यहाँ से अभी आगे बढ़ने वाला है। ये न्यूट्रॉन जाएगा किसी और यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड हो जाएगा, फिर से 3 न्यूट्रॉन बाहर पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये वाला न्यूट्रॉन क्या करेगा, किसी और यूरेनियम को पकड़ेगा, उसके ऊपर बम्बार्ड होने के बाद और 3 न्यूट्रॉन बाहर निकालेगा। ये वाला न्यूट्रॉन भी वही काम करेगा, क्या करेगा, ये वाला न्यूट्रॉन और एक यूरेनियम के ऊपर जाएगा बम्बार्ड होने के लिए, और फिर 3 न्यूट्रॉन्स बाहर पड़ेगा। तो ऐसे 3 न्यूट्रॉन्स बाहर पड़ेंगे, वो नेक्स्ट 3 यूरेनियम को पकड़ेंगे। अच्छा ठीक है, तो समझाइए, तो ये चेन प्रोसेस हो गया। तो देखो ये जो प्रोसेस चलता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ अभी, ये 3 न्यूट्रॉन्स बाहर पड़ते हैं, उसके बाद में ये न्यूक्लियस भी बाहर पड़ता है, ये तो समझा सर। लेकिन इसी के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, ये जो प्रोसेस होता है ना, तब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व या प्रोड्यूस। मतलब क्या होता है, हम लोग को लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से मिलता है, और उसी हीट का इस्तेमाल करके हम लोग स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, और स्टीम का यूज करके हम लोग टर्बाइन रोटेट कर सकते हैं, और हम लोग का मतलब जो काम था एनर्जी प्रोड्यूस करने का, जनरेट करने का, वो तो हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो काम है वो हो जाएगा। समझा, तो देखो मैंने क्या क्या बताया यहाँ पे, ये तो प्रोसेस समझा है पूरा। ठीक है, इस प्रोसेस के टाइम पे 3 न्यूट्रॉन्स मिल गए, ये तो प्रोसेस आगे कंटिन्यू होने वाला है, ये चेन रिएक्शन है, ये तो चलने वाला है। ये न्यूट्रॉन्स आगे के यूरेनियम को पकड़ेगा, ये न्यूट्रॉन और किसी यूरेनियम को पकड़ेगा, तो ये प्रोसेस फिर से चालू होने वाला है, ये तो समझा। लेकिन ये प्रोसेस होते समय बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को मिलता है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, और दिस हीट वी कैन यूज टू प्रोड्यूस द और टू टू प्रोड्यूस द स्टीम। स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए उस हीट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टीम बनने के बाद, ठीक है, स्टीम कैसे बनेगी, ये हीट जो है ना वो हम लोग वाटर को सप्लाई करेंगे, वाटर क्या करेगा, बॉयल हो जाएगा, बॉयल होने के बाद क्या मिलेगा, स्टीम मिलेगा। तो उस स्टीम का इस्तेमाल करके हम लोग टर्बाइन को रोटेट करते हैं, और फिर टर्बाइन रोटेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सिंपल, क्लियर, तो इधर तक तो हम लोग को क्लियर है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट करके हम लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट रीड करते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट देखो, फॉर एग्जांपल, यूरेनियम 235 ऑन बम्बारमेंट विद द स्लो स्पीड ऑफ अ न्यूट्रॉन। ठीक है, अ न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप यूरेनियम 235 अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या हुआ, यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, हाँ, न्यूक्लियर फिजन टू फॉर्म अ न्यूक्लियर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, एक क्रिप्टॉन बन गया और एक बेरियम बन गया, बेरियम बन गया। ठीक है, और उसके के साथ क्या मिला, 2 to 3 न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे 2 to 3 न्यूट्रॉन्स मिलने वाले हम लोग को। अभी ये न्यूट्रॉन चुप नहीं बैठेंगे, वो तो आगे चेन रिएक्शन चालू होने वाला है उनका। ठीक है, मतलब यही प्रोसेस जो यहाँ पे किया था ना, इस वाले न्यूट्रॉन ने जो प्रोसेस किया था, वही प्रोसेस सेम ये तीनों न्यूट्रॉन करने वाले, तो आगे बढ़ने वाला है वो प्रोसेस। अभी सोचो, मतलब यहाँ पे कुछ एनर्जी मिलने वाला है, इस प्रोसेस से हीट मिलने वाला है, तो सोचो आगे कितना एनर्जी मिलने वाला है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी ना चुप बैठने वाला है, ये प्रोसेस आगे जाके कंटिन्यू होने वाला है, तो उसमें से भी हम लोग को बहुत सारा हीट मिलने वाला है। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वी कैन ऑप्टेन फ्रॉम दिस मेथड, एटॉमिक एनर्जी, इसी को बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी, एटम से मिलने वाला एक एनर्जी। ठीक है, दिस न्यूट्रॉन्स ब्रिंग अबाउट द फ्यूजन ऑफ मोर 235 U35। देखो दिस न्यूट्रॉन्स, मतलब ये जो न्यूट्रॉन्स बाहर पड़ गए हैं, वो क्या करते हैं, और फ्यूजन करते हैं, ब्रिंग अबाउट द फ्यूजन ऑफ मोर U235 न्यूक्लियर, और भी यूरेनियम को पकड़ेंगे वो, ये न्यूट्रॉन और भी यूरेनियम को पकड़ेंगे। ठीक है, और ऐसे ही प्रोसेस क्या रहता है, चलते जाता है, तो ये चेन रिएक्शन है। इन दिस वे द चेन रिएक्शन ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस। समझा इधर। अभी थर्ड वाला पॉइंट देखो जरा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग अ चेन रिएक्शन ऑफ द फ्यूजन। अभी ये चेन रिएक्शन चालू होने वाला है ना आगे, तो इसमें से बहुत सारा हीट मिलने वाला है, और इसी हीट का इस्तेमाल हम लोग क्या कहाँ पे करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। स्टीम कैसे मिलता है, स्टीम कैसे मिलेगा, पानी को हीट करके, बराबर ना, बॉयलर में, बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं, पानी को हीट करके, वाटर को हीट करके स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। तो सर स्टीम का क्या होता है, स्टीम का क्या होगा, स्टीम को हम लोग क्या करेंगे, आगे भेजेंगे, कहाँ पे भेजेंगे, टर्बाइन में। ठीक है, टर्बाइन में भेजेंगे, टर्बाइन क्या होगा, फिर रोटेट होगा,
वो व्हील की तरह दिखता है टर्बाइन, ठीक है, तो वो रोटेट होगा, और रोटेट होने के बाद क्या होगा, फिर मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी में रहता है ना, विंड एनर्जी में देखा होगा आप लोग ने, तो ये ऐसे वहाँ पे विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े फैन लगाए रहते हैं, देखो वहाँ पे, ठीक है, अभी डायग्राम इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे ही वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऐसे देखो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है वहाँ पे, ठीक है, और विंड के कारण, हवा के कारण या एयर के कारण वो क्या करता है, रोटेट होता है, ठीक है, अभी ये परफेक्ट नहीं है, क्लियर, ये परफेक्ट नहीं है डायग्राम, लेकिन फिर भी तो ये रोटेट होगा ऐसे, और रोटेट होने के बाद क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली है, तो मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझाया था, ओके, तो वैसे ही कुछ होता है, यहाँ पे स्टीम जो है वो टर्बाइन के पास जाने वाला है, टर्बाइन के पास जाने के बाद वो टर्बाइन को रोटेट करेगा, और फिर टर्बाइन से हम लोग को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे देखो क्या लिया, अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द चेन रिएक्शन ऑफ द फ्यूजन, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को मिलता है, ठीक है, ये पॉइंट तो हो गया। फोर्थ वाला पॉइंट देखो, टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इट इज नेसेसरी टू डिक्रीज द स्पीड एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब क्या, अभी देखो ये जो रिएक्शन है वो तो चलते ही जाने वाला है, तो बहुत सारा एनर्जी मिलने वाला है, तो उसे रोकने वाला भी कोई तो चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये चेन रिएक्शन चलते ही जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस, तो वो इतना ज़रूरी नहीं है जो प्रोड्यूस होने वाला, इट विल बी हार्मफुल टू अस, ठीक है, ये तो हार्मफुल हो गया फिर, मतलब बहुत सारा एनर्जी एक्सप्लोसिव होगा फिर वो बॉम्ब की तरह, ठीक है, एनर्जी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, एक्चुअली बॉम्ब में भी यही प्रोसेस होता है, ठीक है, क्लियर, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होता है, कंटिन्यूसली बढ़ते ही जाता है, तो उसे रोकने वाला भी कोई चाहिए। अभी एनर्जी को रोकने वाला मतलब क्या करेंगे, रोकने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस न्यूट्रॉन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, या फिर इस न्यूट्रॉन का स्पीड कम करो, इस न्यूट्रॉन का नंबर कम करो, नहीं तो देखो ये जो 3 नंबर में न्यूट्रॉन्स मिल गए, ये और 3 जन को पकड़ेंगे, 3 यूरेनियम को पकड़ेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको रोकने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन जो है ना उसी का नंबर कम करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे समझो एक ही न्यूट्रॉन है, यहाँ पे समझो एक ही न्यूट्रॉन बाहर पड़ गया, तो क्या होगा, फिर एनर्जी कम मिलेगा, एक ही यूरेनियम को पकड़ेगा, ये न्यूट्रॉन समझो ये दोनों गायब है यहाँ पे, ये दोनों भी नहीं है, एक न्यूट्रॉन क्या करेगा, किसी और एक यूरेनियम को खाली पकड़ेगा, ठीक है, लेकिन 3 न्यूट्रॉन क्या कर रहे थे, एक यूरेनियम इसके पास और एक यूरेनियम इसके पास, तो 3 3 यूरेनियम को पकड़ते थे, फिर से यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन मिलने वाले थे, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन, तो बढ़ते जाएगा, तो उसको रोकने के लिए फिर एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग न्यूट्रॉन का नंबर कम करेंगे या फिर न्यूट्रॉन का स्पीड कम करेंगे, न्यूट्रॉन का स्पीड जो है वो कम करेंगे, देखो तो कैसे करेंगे कम हम लोग, तो उसके लिए हम लोग मॉडरेटर यूज करते हैं, मॉडरेटर मतलब क्या सर, तो ग्राफाइट और हैवी वाटर इज यूज एज मॉडरेटर, ठीक है, मतलब ग्राफाइट का और हेवी वाटर का हम लोग यूज इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे एज अ मॉडरेटर फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन, तो ये ग्राफाइट और हेवी वाटर हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करके उनका स्पीड कम करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। उसके बाद में कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या करेंगे फिर, कंट्रोल मतलब क्या, कंट्रोल क्या करेंगे, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स बाय एब्जॉर्विंग देम, द रॉड्स ऑफ द बोरॉन कैडमियम बेरिलियम एक्सेट्रा आर यूज, मतलब ये जो रॉड है ना, रॉड ऑफ बोरॉन कैडमियम बेरिलियम, इनका जो रॉड रहता है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू एब्जॉर्ब देम, मतलब इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो नंबर है वो कम होता जाएगा, और अगर ये नंबर कम होता है तो उसके बाद में जो चेन रिएक्शन होने वाला था वो नहीं होगा, अभी मतलब समझो अभी 3 है ना, तो 2 2 मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, 2 हम लोग ने क्या किया, कंट्रोलर की हेल्प से 2 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचा कितना, 1, तो 1 क्या करेगा, सिर्फ 1 ही यूरेनियम को पकड़ेगा, बराबर, तो एनर्जी इतना नहीं प्रोड्यूस होने वाला है जितना ये 3 3 जन से होने वाला था, क्लियर, समझा, ठीक है। और स्पीड कम करने से भी क्या होता है, स्पीड कम करने से एनर्जी कम निकलेगा, क्लियर, ओके। तो ये था न्यूक्लियर रिएक्टर और उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, ठीक है, और उस एनर्जी को थोड़ा सा, मतलब वो इतना एनर्जी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कंटिन्यूसली चालू रहेगा, उसको थोड़ा सा रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडरेटर और कंट्रोल का मदद लेते हैं, ठीक है, हेल्प लेते हैं, ओके। तो न्यूक्लियर रिएक्टर फिर हमारा यहाँ पे ये जो पूरा टॉपिक था वो खत्म हो गया, ठीक है, ओके।